नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कानपुर में हैं। ऊपर वाले के लिए आपकी मन की श्रद्धा ही काफी है। नहीं कहता वो कि किसी का बुरा करो, किसी का गला काटो। किसी पाखंडी के जाल में फंसकर ऊपर वाले को खुश करने की कोशिश में हम कोई अमानवीय हरकत ना कर बैठे, इस बात से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। देव मास्टर जी, आज बच्चा लोगों को पढ़ानी नहीं जाओगी का? हुआ, बच्चों लोग यहाँ छुट्टी है, वो अपने अपने घरे गए। अरे तो हमारे घर चलो ना, अम्मा आम का अचार बनाइए, वो जाके खाएंगे और खेलेंगे भी। वो हम शाम को देखेंगे, पहले घर का काम खत्म करते फिर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, और हाँ आते हुए हमारी गणित की बुक लेके आना। ठीक है, बाय। अरे भीषम चाचा रुकिए, हमका दे दीजिए। बिटिया कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? एकदम फर्स्ट क्लास। खूब मन लगा के पढ़िया बिटिया, तुम तो अपने ही गांव की शान हो, कल को खूब बड़ी डॉक्टर कलेक्टर बनना। जी चाचा जी। खुश रहो। बबली, हम जानबूझ के तोड़े हैं? अरे तुम हमसे टकराई हो, मटकी फेंक दी हो नीचे। हेलो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इतना नुकसान कर दिया हमारा, ऊपर से हमें ही आके दिखा रही है चुड़ैल कहीं की। ए बबली, काहे तुम हर घड़ी काशी से लड़ाई के लिए सीना ठोक के खड़ी हो जात हो? कोई जरूरत नहीं है बीच में टपा टपर करके कूदने की, सबकी आँख में पर्दा वर्दा पड़ गया है का? एक तो पहले ही अपने पति को खा के बैठी है, पूरे गाँव के पीछे पड़ी हुई है। काहे हमरे पीछे पड़ी हो, आखिर बिगाड़े काहे हम तुम्हार? का बिगाड़े का मतलब का है? मतलब लड़ाई हम शुरू की है? ठीक है तो हम खत्म कर देते हैं। अरे ये सब क्या कर रहे हो चाची? लो आ गई सब पोली फनकार के, अपनी अम्मा से पूछो ना कि क्या कर रही है। अरे अम्मा से क्या पूछें, हम सब जाने थे कि ये सब लड़ाई झगड़ा आप ही शुरू किए हैं। लो भैया लग गई कचहरी, हो गया फैसला, मतलब सब कुछ हम ही किए हैं। जैसी कमीनी अम्मा वैसी बिटिया और वैसे ही पूरा खानदान। चलो अम्मा, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। हाँ हाँ चलो चलो चलो, निकलो निकलो, हमको भी शौक नहीं है तुम लोग को मुंह लगाने का। ना जाने किसका देख के मुंह उठे थे सुबह सुबह, पूरा दिन खराब हो गया। देखो देखो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक नंबर की नौटंकी बाज है ये बबली। अम्मा हम अनुपमा दादी को सब बता देते कि बबली चाची कैसे हैरान किए रहती है तुमको। अरे उनसे कहाँ छुपा होगा, समझ ही नहीं आता। एक तरफ अनुपमा चाची हैं, उनकी गांव में इतनी इज्जत, और उनकी बहू बबली, वो जो रास्ता काटे ना तो काली बिल्ली भी डर जाए। लो हरी प्रसाद, और चिंता करने की जरूरत ना है, इस बार फसल अच्छी होगी, स्वयं देवी माँ की कृपा है तुम पर। चुड़ैल जानबूझकर लड़ाई करती। दुई मटकी के लिए क्या बवाल करती बबली? बात दुई मटकी की ना है जेठ जी, वो औरत का मरद तो रहा नहीं तो का सारा गुस्सा भाभी पर निकला था। तो काहे बात करती है उसके साथ? अरे तो हमारी मति मारी गई है का कि हम जाएंगे लड़ाई करने, वो आती है सिंग लगा के लड़ने हमसे। अम्मा सारे गांव का उद्धार करती हो, अरे तेरी थोड़ी कृपा अपने घर पर भी दिखाओ, कछु करो उसका। का करे, वो पड़ोसी है हमरे।
वो कौन था जो अपने मन की कुंठा की वजह से ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी परेशानियां खड़ी कर रहा था? और वो कौन सी बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी? नहीं श्याम, बबली मां नहीं बन सकती। मैडम जी, गलती किसका है? इसमें गलती तो किसी की भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों के यहाँ आसानी से बच्चे नहीं हो पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपकी या बबली की कोई भी गलती है। हम 40 पार कर चुके हैं, ये 32 की हो गई है। 9 बरस पहले ब्याह हुआ था हमारा, लेकिन इसकी कोख अभी तक बंजरे के बंजरे पड़ी हुई है। आपका 50 साल के हो जाएंगे तब संतान का सुख भोगेंगे हम। देखिए, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बच्चा नहीं हो सकता इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों बच्चे का सुख नहीं उठा सकते। कितने सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग चाहें तो बच्चा गोद ले सकते हैं, या फिर फर्टिलिटी के कितने सारे तरीके हैं आज। नहीं नहीं मैडम जी, पूरे गांव वाले बातें बनाएंगे, धूत हो जाएगी हमारी। हमें तो अपना ही अंश चाहिए। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? सरजी। सरजी। और जो हिलता नहीं है, जो ऐसे ही पड़ा रहता है, ये क्या है? इले बिटिया। साक्षी बिटिया, तू इतनी होशियार कैसे नहीं रे? सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है तुमको। चाची, ये बच्चे लोगों को पढ़ाकर ना मन को बहुत संतोष मिलता है। सो तो है, देखना बड़ी होकर तू डॉक्टर ही बनेगी। हम भी वही चाहते हैं, अगर अम्मा का आशीर्वाद रहा तो जरूर बनेंगे। चलिए हम चलते हैं। चल, खुश रहो बिटिया। तो बाजू वहाँ क्या कर बोलवा, तो ठीक साथ चला रे। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। नमस्ते, कैसी है बेटिया? ठीक है। और बेजू और अम्मा ठीक हैं? ठीक हैं। इले, तेरी अम्मा के लिए तेरे बापू के खेत की इस महीने की कमाई, और अम्मा से कहना कि हम इतवार को मिलेंगे। ठीक है मामा जी, हम चलते हैं। खुश रहो बेटा, जा। चोरी करने आए हैं? हम चोर नहीं हैं, हमारी गेंद लेने आए हैं। खड़ा हो जरा, गेंद लेने आए? तेरी अम्मा ने भेजा है ना हमारी साड़ी चोराने के लिए? हाँ, हमारी अम्मा को कुछ नहीं कहो। अच्छा, हम भी मारेंगे। मारा आया अम्मा वाला, मार के तो दिखा। पूरे गांव से ना पिटवाया ना तो हमारा नाम बबली नहीं। चल तो चल, तेरी अम्मा के पास लेकर चलते हैं। चल चलते, हद दिमाग खराब हो रखा है। चल तो चाची, छोड़ दो दुखते। अच्छा, चोरी करते वक्त नहीं दुख रहा था, अब कान की कान खींच रहा था, समझ में आ रहा है? हां चाची, छोड़ दो। दुख रहा है, दिखाओ। अरे खा कर लियो, पगला गई होगा। तुम्हारी लड़ाई हमारे साथ में है, हमारे बच्चों को बीच में मत घसीटो। अरे तो रखो ना अपने घर के अंदर अपने बच्चों को, काहे भेज दिया हमारे घर में चोरी करने के लिए? अरे कहां हुआ विजय? हम बैट बॉल खेल रहे थे तो हमारी गेंद चाची के बरामदा में चली गई। हम जब गेंद लेने गए चाची हमें मारने लगी। अरे लकवा मारे तुम्हारी जबान को, झूठ का बोल रहा है, सच का नहीं बोलता कि हमारे घर में घुसा था चोरी करने के लिए? बस बहुत हो गया चाची, आप लोग अपनी हद में रहिए, आप ही के लिए ठीक होगा। तो भैया मास्टर आइन जी डांट रही हैं हमको, मारोगी का? चार अक्षर पढ़ लियो तो हमको सिखाओगी तुम? हम संभाल के रखो अपने भाई को, अगली बार दिखा हमारे घर में ना तो हाथ पैर तोड़ के तब भेजेंगे, याद रखना। चलिए निकलिए यहाँ से, हम अपने बड़ों का अपमान नहीं करते, लेकिन आप जैसी गंदी सोच वालों को हम तो का कोई भी सम्मान नहीं दे सकता। बार बार आकर हमारी अम्मा को परेशान करती हो। ए लड़की, जोर मत आजमाना हम पे, बता दे रहे वरना बहुत महंगा पड़ने वाला है। चलो भीतर, आइंदा यहां मत खेलना। बबली और काशी के बीच की लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बबली काशी और उसके बच्चों विजय और साक्षी पर अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। क्या ये लड़ाई झगड़े किसी दिन कोई भयानक रूप ले सकते थे? आखिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता था।
ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम कालवाय भैरवाय नमः स्वाहा, ओम जगत परमात्मने स्वाहा। एहि सर्वग्रह भूतानां साकृणि दात्रीनां हुं फट स्वाहा। साक्षी, हम तुम्हारे मामा जी के जा रहे हैं। तुम्हारे बाबूजी के खेत में मजदूर लगवाने हैं ना, ईला ने बात करने, सांझ तक आ जाएंगे। अम्मा, हम गौरी के घर ही चले जाएं या उसे यहाँ बुला लेते हैं? वो तुम देख लेना। अच्छा सुनो, विजय के लिए कुछ बना देना खाने के लिए, आज तो पूरा दिन मिल गया उसको खेले के लिए। ठीक है अम्मा, ध्यान रखेंगे। साक्षी, 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 ए सुनो गुड्डुओं की अम्मा, साक्षी को देखी हो? साक्षी, साक्षी, ले इधर, ले इधर, ले दूसरा, ले रहा है, दूसरा ले रहा है। विजय, विजय। हाँ माँ। साक्षी कहाँ है? नहीं मालूम अम्मा, हम दोपहर में ही आए रहे, गौरी भी थी घर में। गौरी को घरे जाना था तो हमरे साथ ही निकल गई। मास्टरनी जी, कल स्कूल में मिलते। दीदी हम खेलने जा रहे हैं, शाम तक ही आएंगे। अरे शाम से पहले आ जाना वरना अम्मा टांग तोड़ देगी। ठीक है दीदी। चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई है, बरामदे में झाड़ू सुपड़ी ऐसे ही पड़ी है। साक्षी तो कब ऐसे छोड़ेगी नहीं। हो सके तो घर में मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए गौरी क्यों वहाँ चली गई होगी। तुम जाके देख कर आ जाओ जल्दी से। हाँ ठीक है अम्मा। गौरी दीदी, साक्षी दीदी आई का? हमरे घरे? हम दोपहर में तुम्हारे साथ ही तो आए थे, फिर साक्षी हमें नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई, घर में नहीं है। अम्मा, अम्मा, साक्षी दी आई क्या? गौरी के घर नहीं है का? नहीं अम्मा, वहाँ तो नहीं गई रही, कहीं मामा के घर तो नहीं गई। अरे मामा के घर से तो हम खुद ही आ रहे हैं। हाँ काशी। भैया साक्षी घरे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ तो परेशान काहे हो रही है, आ जाएगी, कौनू काम से गई होगी, हो सकता है बच्चे को पढ़ावे को गई हो। अरे आज इतवार है, बच्चा लोगों की छुट्टी होते, और गौरी के घरे भी नहीं है, विजय देख के आया है। तो अभी समय कहाँ हुआ है, 6:30 ही तो बजे हैं, कोई आस पास गई होगी, आ जाएगी, तू घबरा मत।
साक्षी बिना बताए कहीं जात नहीं है और तो दिल बहुत घबरा रहा है। विजय, साक्षी ने कुछ बताया था क्या? कोई बकाया काम हो या पढ़ाई का काम? ना मामा जी, ऐसा तो कुछ ना बताया था। गौरी दीदी आई थी और वो हमारे साथ ही अपने घरे चली गई और हम खेलने चले गए, फिर हम साक्षी दीदी को ना देखे। भैया कुछ करिए ना, हमारी जान सूख रही है, बहुत घबराहट हो रही है, कुछ कुछ गलत तो नहीं हो गया ना भाई? साहब, हमारी बिटिया बिना बताए कहीं नहीं जाते और इतनी रात तक तो कभी कहीं नहीं रुकी है। अब गांव इतना बड़ा भी ना है साहब, कोई ढूंढने से ना मिले। अरे कहीं लड़के वड़के के चक्कर तो नहीं है? पता चले उसके साथ भाग गई और तुम लोग इधर उधर ढूंढ रहे हो। नहीं नहीं साहब, साक्षी बहुत पढ़े लिखे वाली लड़की है, बहुत ही समझदार है, वो ऐसा नहीं करेगी। पूरा गांव जानता है साहब, साक्षी बहुत ही भोली भाली और समझदार लड़की है। पढ़ाई का बहुत शौक है इसको। अपने बाबू के ना रहने के बाद घर को इसने ही संभाला, बच्चन लोगों को भी पढ़ाती है। सुबह तक देख लो, हो सकता है कहीं गई हो, रात होने की वजह से वहीं रुक गई हो। पर साहब, आज तक वो ऐसा कभी की नहीं है। ठीक है, आप उसका फोटो दीजिए, हम उसे ढूंढना शुरू करते हैं। काशी, तुम चिंता मत करो, आ जाएगी साक्षी। विजय, तुम भी कुछ खा लो और अपनी अम्मा को भी कुछ खिलाओ। अभी हम जाते हैं, भोर में फिर आएंगे। नहीं साहब, हमने उसे नहीं देखा। साहब, चार कदम का तो गांव है और मुट्ठी भर के लोग, इसमें कोई कैसे खो सकत है? नहीं साहब, हम तो नहीं देखी बच्ची को कहीं, लेकिन बिना अपना अम्मा के बताए साक्षी कहीं ना जात। नहीं साहब, साक्षी हमको कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। साक्षी तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली थी ना? जी साहब। कोई लड़का वड़का था क्या जिसको पसंद करती और भाग गई साथ में? नहीं साहब, कौनो लड़का नहीं था। साक्षी हमारे साथ ही स्कूल आती जाती थी, वो ये सब नहीं कर सकती। अब हमको क्या पता साहब कि साक्षी कहाँ गई है, हमने तो नहीं देखा उसको। और साफ साफ बताएं साहब, तो हमारी उन लोगों से ना बनती बनती नहीं है, तो हम भी नजर नहीं रखते कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। साक्षी की माँ काशी बता रही थी कि शायद वो बरामदे में झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि वो झाड़ू और सुपड़ी वही बरामदे में पड़े हुए। तुम लोगों में से किसी ने भी किसी को उधर जाते हुए देखा था? बताया ना साहब, हमको उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, वहाँ कौन आता है कौन जाता है। अरे बहुत मुफट लड़की है साहब, वो बहुत तेज भाग गई होगी किसी लड़के के साथ। किसके साथ? गांव में कोई ऐसा है जिसके साथ वो भाग सकती है? अपना घर तो हमसे संभलता नहीं है, दूसरे के घर की लड़कियों को कहां तक देखेंगे। हमको नहीं पता वो कहां गई है। देखिए, हमने इस गांव के सभी घरों में पूछताछ की और अब तो यही लग रहा है कि साक्षी जरूर किसी के साथ भाग गई। हमारी बेटी कभी ऐसा नहीं करेगी, हमारे पति के गुजरने के बाद हम सबको उसने ही संभाला है, ऐसा कभी नहीं करेगी। अच्छा, तो कहाँ जा सकती है वो, आप ही बता दीजिए। देखो, कोई और बात है तो मैं बता दूं, क्योंकि हमें कोई और वजह नजर नहीं आ रही, और अगर उसे अगवा किया गया होता तब तक मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलता। और ये गांव है ही कितना बड़ा, वो यहाँ होती मिल जाती। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब, हमारे पास हमारी जमीन है, काशी हमारी बहन है, साक्षी हमारी भांजी है, हमारी बेटी जैसी। काशी के पति का भी तो अपना एक छोटा सा खेत था। हाँ साहब, अपनी बहन की मदद के लिए वहां मजदूर हमें लगवाते हैं, पूरा गांव जाना था साहब, खेत से मिलने वाला पैसा अपनी बहन के घर पहुंचाते हैं। अब किसी ना किसी का तो निजी स्वार्थ होगा, वरना एक लड़की यहां से कैसे गायब हो जाएगी। उसके साथ कुछ तो हुआ है, कुछ गलत, और किसी को कुछ मालूम ही नहीं।
सर, गांव में लगभग सबसे पूछताछ कर ली, लग तो यही रहा है कि किसी के साथ भाग गई है। और वो पड़ोसी, उन दोनों परिवारों की आपस में ज्यादा बनती नहीं है? उस एंगल को भी चेक किया सर। साक्षी की माँ काशी और बबली में अक्सर लड़ाई होती रहती है, लेकिन बबली के साथ अनुपमा, उसे गांव में सब लोग बहुत मानते हैं। लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते थे। सर ऐसे में ये मान पाना मुश्किल है कि ऐसी औरत के बहू का हाथ इस लड़की के गायब होने में हो सकता है। दीक्षित, मुझे तो पक्का लगता है जरूर किसी लड़के का चक्कर होगा। साक्षी कहाँ जा सकती थी? उसे लापता हुए पूरा एक दिन हो चुका था और उसके बारे में किसी को अभी तक कोई खबर नहीं थी। क्या उसके लापता होने का इन दो परिवारों की लड़ाई से कोई रिश्ता हो सकता है? क्या सचमुच ऐसी लड़ाई इस हद तक जा सकती थी? लगत है घर के पिछवाड़े कोई कुछ खुदाई कर रहा है, हम देखकर आते हैं। देखे मीनल चाची और बिपिन चाचा भागते हुए अपने घरे गए। उनके पास खुदाई का सामान था और कुछ खोदे भी थे। वो वो लोग यहीं पर कुछ खुदाई कर रहे थे। यहाँ खुदाई करो। यहाँ दीक्षित, उस परिवार को लेके आओ। चलो। हमारे लोगों को सारे बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पे भेज दो। कल रात तक ये थे, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। यस सर। सारे खबरियों को भी एक्टिवेट कर दो। चलो। लाश को बाहर निकालो। आराम से, आराम से।
आराम से आराम से। साहब लोग इधर ही है बस अड्डे पे पूरे सामान के साथ। रोक के रखो, मैं भी एक टीम भेज रहा हूँ। दीक्षित साले बस अड्डे पे उठा कर पुलिस स्टेशन लाओ। उधर देखो ये सब क्या है? सर ये सब काला जादू जैसा लगता है। ये सब इन लोगों ने सिर्फ दुश्मनी की वजह से किया है या फिर कोई और बात है? इसमें तो कोई शक नहीं, ये काम तुम लोगों ने किया है। तुम सब ने मिलकर उस मासूम बच्ची की जान ली, उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे दफना दिया। क्योंकि ऐसा बोल वरना इतने डंडे मारूंगा कि मुंह अपने आप सबका खुल जाएगा। सर पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट। हाँ डॉक्टर चतुर्वेदी। इस लड़की को गला घोट कर मारा गया है और इसे मरे हुए करीब 36 घंटे हो चुके हैं। क्या कोई और बात भी है डॉक्टर? क्योंकि हमें नहीं लगता है कि सिर्फ दुश्मनी की वजह से इन लोगों ने उसे मारा है। इस बच्ची का रेप किया गया है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब अपने आप उगलोगे वरना उल्टा लटका कर सब उगलवाऊंगा मैं। बोल जो बात सामने आई वो थी एक औरत, उसके पति और उसके परिवार की घिनौनी कहानी, जिन लोगों का मन कुंठा से ग्रसित था और अपना फ्रस्ट्रेशन उन लोगों ने 16 साल की मासूम बच्ची पे निकाला। उन्होंने गुस्से में आकर अपनी समस्या के समाधान के लिए एक बहुत ही अमानवीय तरीका अपनाया। ओम कालवाय भैरवाय नमः स्वाहा। ओम जगत परमात्मने पाहि पाहि एहि एहि सब ग्रह भूतानाम साखनी टाकनी नाम ओम फट स्वाहा। अनुपमा इस प्रकोप को शांत करना पड़ेगा। तेरी बहू और तेरे बेटे के शरीर में जो पाप है उसे धोना पड़ेगा और इसका केवल एक ही तरीका है। वो कौन तरीका है स्वामी जी? कोई पवित्र आत्मा, पवित्र मतलब समझती है ना, पवित्र आत्मा का स्पर्श तेरे बेटे के शरीर से होगा तो उसका पाप धुल जाएगा। बबली अगर तुम अपनी गोदहरी करना चाहत हो तो शाम को किसी पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। क्या हुआ? उठो तो पहले। एक लड़की है। कौन? साक्षी। इसे तो हमको बिल्कुल नहीं पसंद। बाकी एक बात तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वो पवित्र है। मैं
मास्टरनी जी, कल स्कूल में मिलते। दीदी हम खेलने जा रहे हैं, शाम तक ही आएंगे। अरे शाम से पहले आ जाना वरना अम्मा टांग तोड़ देगी। ठीक है दीदी। चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ। अकेली है आज घर में, कहाँ सोच रहे हो, यही सही मौका है। बिपिन और मिनल को कुछ मालूम है? चिंता मत करो, हम समझा देंगे। अरे नहीं भैया, हमें इस सब पचड़े में ना डालिए, हमें क्या लेने देना इससे। और जो हम इस काम के तुम्हें पैसे दे तो? अम्मा किधर है? बाहर है। क्या हुआ? और तुम्हारा भाई विजय? खेलने गया है। बात का है? अम्मा वो बेहोश है, जाओ और अपने पापों से मुक्ति पाओ। बबली, अपने पाप धोने की विधि पूरी करो। पुलिस हर घर की तलाशी ले रही है। तो अपने घर में भी आएगी का? और का? ये लड़की तो मरने के बाद भी हमें चैन से नहीं जीने देगी, हमें ना इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगाना होगा। बिपिन, मीनल, तुम लोगों को लाश ठिकाने लगानी होगी। पुलिस सबसे पहले शक तुम्हारी भाभी पे करेगी, कहीं से किसकी बनती नहीं थी ना उसके साथ। हाँ, लेकिन हम कहाँ छुपाएंगे? पीछे जमीन में गाड़ दियो, किसी को कुछ पता ना चलेगा। जल्दी करो, चलो चलो चल। अम्मा सब कुछ ठीक से हो गया ना? नहीं भैया। मतलब हम लाश का तो ठीक से गाड़ दिए, पर इतने में विजय हूँ आगवा। सत्यानाश, तो कहा उसने देख लिया तुम लोगों को? पता नहीं भाभी, लेकिन हम अपना चेहरा ढक लिए थे। लेकिन उन लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि हमने कोई खुदाई की है। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, अपना सामान बांधो और जल्दी से जल्दी निकलो यहाँ से। कितना गंदा दिमाग है तुम सबका। और तुम तो माँ हो ना, ये पूरा गांव तुम्हें मान देता है, इज्जत करता है, और तुमने अपने इशारे पर सब करवा दिया।
किसी औरत की कोख उजाड़कर तुम्हारी बहू अपनी कोख कैसे भरेगी? एक मासूम लड़की के साथ इतना घिनौना काम करके तुम सबने मिलकर उसे मार डाला। दुश्मनी के हमने बहुत से केसेस देखे, लेकिन इतना घिनौना और अमानवीय केस पहली बार देखा। अनुपमा, उसके दो बेटे श्याम और बिपिन और उसकी दोनों बहुएं बबली और मीनल, इनके ऊपर हत्या के चार्जेस लगे हैं और सब इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। अनुपमा का गुरु वो तांत्रिक जिससे वो सलाह लिया करती थी, वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। काशी और विजय अब भी साक्षी की मौत के सदमे से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए हैं। काशी का भाई ओमकार अब उन दोनों का ख्याल रख रहा है। साक्षी एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी, वो आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उन बुराइयों ने उस मासूम की जान ले ली जो आज भी बड़े पैमाने पर प्रचलित हैं, अंधविश्वास और काला जादू। विश्वास और अंधविश्वास में बहुत अंतर है, और जो चीज इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देती है वो है बेवकूफी और किसी चीज के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत। फिर वो चाहत चाहे बच्चे की हो, समृद्धि की हो, या किसी को किसी भी कीमत पर हराने की हो। पाप धोना, किस्मत बदलना, बुरे वक्त को पलटना, वर्चस्व और ताकत हासिल करना, इस तरह की कामना के लिए इन तांत्रिकों के पास जो समाधान होता है वो अक्सर बहुत ही अमानवीय, घिनौना, अनैतिक और अपराधजनक साबित होता है। इस तरह की अमानवीय घटना किसी एक धर्म या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस तरह के घिनौने अपराधों से जूझ रही है, क्योंकि ऐसे लोग पूरी दुनिया में भरे हुए हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो भगवान की पूजा करते करते उससे डरने लगे, और इस डर से बचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे ढोंगी बाबा और उनके अमानवीय तरीके नए नहीं हैं, ऐसे लोग हर धर्म में, हर मजहब में पाए जाते हैं। हम सबको इस बात के लिए खास तौर से सतर्क रहना होगा कि कहीं हमारी श्रद्धा हमारे डर में ना बदल जाए और हम जाने अनजाने कोई बहुत बड़ी बेवकूफी न कर बैठे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।